जम्मू कश्मीर के 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स पिछले 758 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब उनका चयन हुआ था तो उन्हें सरकार की नीतियों के अनुसार 3 वर्षों के बाद रेगुलराइज करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया है। वहीं उनका ये भी कहना है कि राज्य में कई सरकारें आई लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। धरने पर बैठे हुए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की राज्यपाल से मांग है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूर्ण की जाए। आपके इस चैनल के हिसाब से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमें यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए 758 दिन हो गए, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये कोई छोटा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा अरसा है। इतनी मौसम जो है वो भी यहीं गुजरे और कितने त्यौहार जो हैं वो भी हमने यहीं गुजारे। जब तक हमारी सरकार थी तो उन्होंने भी वही हमारे साथ जो है वादे ही किए और उसके बाद चले गए। हमारे स्टेट के अंदर गवर्नर रूल हुआ, फिर वो भी गवर्नर साहब भी चले गए और प्रेसिडेंट रूल इस वक्त है, लेकिन गवर्नर साहब जो इस वक्त हैं स्टेट के अंदर उन्होंने हमारे साथ जो ही हैं वही वादे ही किए हैं, लेकिन आज तक हमारा जो है रेगुलाइजेशन का मसला था उसको सुलझाया नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो बनाई गई थी उनके तहत लगे थे ना। हम 1998 से वर्क कर रहे हैं और 2003 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर कंट्रेक्चुअल लेक्चर जो अकेडमिक लगे थे उनको 3 साल के बाद रेगुलाइज करना था। उस ऑर्डर की मॉडिफिकेशन कर दी गई और उसके बाद कहा गया कि हम इनको फिलहाल रेगुलाइज नहीं करते हैं लेकिन ये एज ए कंट्रेक्चुअल रहेंगे। लेकिन 2010 के अंदर गवर्नमेंट ने जो है एक सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया जिस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जितने लोग अडाव कंट्रेक्चुअल और कंसल्टेंट लगे हैं उनको 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है रेगुलाइज किए गए। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर्स को रेगुलाइज किया गया, टेक्नोक्रेट्स को रेगुलाइज किया गया, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर थे उनको रेगुलाइज किया गया, हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स को भी गया, 4th क्लास जितने भी लोग लगे थे सबको रेगुलाइज कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि वन टाइम रिलैक्सेशन दे के इनको क्या किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, लेकिन हमें ही अपने हक से महरूम रखा गया। हमने गवर्नमेंट जितनी भी सरकारें 2003 से आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं स्टेट के अंदर हमने सबके आगे अपना केस प्रोजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने खाली हमारे साथ वादे किए, उसके बाद हमें जो है मजबूरन यहाँ जो है स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। और स्ट्राइक में जब बैठे तो जब हमारी स्टेट के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट थी PDP और BJP की, उन्होंने भी हमारे साथ यही वादे किए कि हम आपको फेस वाइज रेगुलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने फास्ट ऑन टू डेथ किया था और फास्ट ऑन टू एट डेथ को तोड़ाने के लिए जो है उस वक़्त के जो हमारे रियासत के स्पीकर थे कविंदर गुप्ता जी वो आए और उन्होंने हमारे एक मैडम थी उनका अनशन को तोड़ाया और कहा कि हमें DPCM ने हमारे जो MS एजुकेशन हैं उन्होंने हमने सामने बैठ के एक मीटिंग की है और हमने ये फैसला लिया है कि आप फेस वाइज रेगुलाइज करेंगे लिहाजा आप अनशन को तोड़ो। अनशन तोड़ाने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमारा मसला का जहाँ का है जो और तू वही बना हुआ है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर साहब हैं, हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत लंबा अरसा है 2 साल से, अगर हमने बार बार इनको मीडिया के थ्रू यही कहा है पहली गवर्नमेंट वो कि आप हमारे साथ टेबल टॉक कर लीजिए, जब आप कहते हैं कि केस जेन्युइन है, एडवाइज़र साहब कहते हैं केस जेन्युइन है, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं जेन्युइन है, गवर्नर साहब कहते हैं जेन्युइन है, हमने आपको जो है रेगुलाइज करना है तो फिर इतनी देरी क्यों, जब आपको रेगुलाइज करना है तो फिर लेट किसके बाद का करना है। इसलिए हम इनसे यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो हमें रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हमारा हक है और हम अपने हक को लेकर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उसी के तहत हम बैठे हैं। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि जल्द से जल्द जो है हमारी मांगों को पूरा किया जाए।